जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे से YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये मेरा वीडियो है काफ़ी खास रहने वाला है। तो मैं लगातार आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लाहौल एंड स्पीति। तो अभी हम स्पीति वैली के वीडियो मैंने आपको दिखाए थे, तो अभी हम लाहौल घाटी में हैं। तो आप पीछे देख सकते हैं हमारे पीछे, तो ये है लाहौल घाटी। तो अभी हम त्रिलोकीनाथ धाम से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो पिछले कल का जो वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको त्रिलोकीनाथ धाम के दर्शन कराए थे। तो अब हम वहां से आगे निकल गए क्योंकि मेरा वो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला था, तो हमने वो वहीं पे क्लोज़ कर दिया। तो अब ये जो यहां का आज का मेरा ब्लॉग है, तो मेरा यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। तो मैं आपको देखिए पीछे कितना प्यारा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए हमारे पीछे ये है लाहौल घाटी। तो हम यहाँ पे व्यू का आनंद ले रहे हैं और हम रोड वहाँ से हम अटल टनल की ओर जाएंगे। तो रास्ते में जो जो भी व्यू आएंगे तो वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी कुछ मंदिर भी आएंगे इस रास्ते में, फिर जो भी होगा तो मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शिव जी के मन तो वहां से आने के बाद अब हम यहाँ जाएंगे। यहाँ माता का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर पांडव कालीन है और काफी प्यारा मंदिर। हाँ, निशानी ले आएंगे। हाँ, ये देखिए ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ये पांडवकालीन मंदिर है। तो हम अभी दर्शन करने चलते हैं ऊपर। ये बिल्कुल हम त्रिलोकीनाथ धाम से नीचे आ रहे थे तो रास्ते में उदयपुर नामक स्थान पे है। तो अब बने रहिए चल रहे हैं। अभी हमने माता मृकुला देवी के दर्शन किए। तो ये मंदिर, जब आप त्रिलोकीनाथ धाम आते हैं तो उदयपुर में है, तो यहाँ माता रानी के दर्शन किए। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, पांडव कालीन मंदिर है। तो ये देखिए बिल्कुल काष्ठकला हुई है इसमें, लकड़ी का बिल्कुल। और यहाँ पे पूरे मतलब ये पांडव कालीन मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ भी हमने दर्शन किए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी मिलकर बोलो जय माता दी। तो तभी मैंने आपको बताया था कि ये आज का वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है। तो आज भी हम आपको दर्शन कराएंगे क्योंकि कल के दिन हमने माता वहाँ पे दर्शन कराए थे त्रिलोकीनाथ धाम में, तो आज हम यहाँ चले जा गए। तो ये देखिए दोस्तों, ये काष्ठ कला का एक नमूना। ये मंदिर द्वापर युग में बनाया गया था विश्वकर्मा द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हमने यहाँ दर्शन किए माता मृकुला देवी के। तो ये मंदिर द्वापर युग का बना हुआ है और पूरा काष्ठकला से बना है, काफ़ी प्यारा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता देवी। अभी चलते हैं और आगे आपको कौन कौन से व्यू आएंगे वो भी आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप बने रहिए चैनल में। तभी आपसे मैं पहले भी कह रहा था कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो हम आपको आज के जो वीडियो है वो काफ़ी खास ही रहने वाला है। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं केलांग, जो लाहौल लैंड स्पीति की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे चलते काफ़ी बड़ा बाजार है और व्यू भी यहाँ का काफ़ी अच्छा। आपको बाहर से भी आपको व्यू दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचे हैं केलांग। तो ये है, अभी मैं केलांग में हूँ ऊपर। तो अभी आपको बस स्टैंड दिखाते हैं नीचे आके। दोस्तों केरला का व्यू, सामने का व्यू भी काफी प्यारा। अति सुंदर
एक जैसी भी गुजार गया। स्टाइलेटर जो तो अभी हम पहुंचे हैं अटल टनल। तो यहां से हम अभी इस ब्रिज को क्रॉस करके अटल टनल की ओर जाएंगे, तो सीधा पहुंच जाएंगे मनाली एरिया में। फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं अटल टनल। तो आप देख सकते हैं यहां का नज़ारा। तो यहां काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हैं जो यहां पे सेल्फी खिंचवा रहे। ये है अटल टनल रोहतांग। तो इसके उस साइड को लाहौल स्पीति जहां से हम अभी आए, और हम इसके फ्रंट साइड को आ गया है मनाली वाली साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। काफ़ी प्यारा व्यू है और इसके बनने से यहाँ काफ़ी फ़ायदा हो गया। नहीं तो आप जानते हैं रोहतांग होके जाना हो तो कम से कम 70-60। तभी हम अटल टनल के साथ पहुंच गए हैं। तो इधर से हम सिरसू से इधर को आए थे। तो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको हम माता रानी के दर्शन करवाए थे। तो वहां से आते हुए रास्ते में हम यहां अटल टनल पहुँचे। यहां से आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेबसाइट यहाँ काफ़ी लोग सेल्फी लेने के लिए सभी खड़े हैं। तो हमने इतना सोचा हम थोड़ी सी यहाँ पर सेल्फी ले लेते हैं और यहाँ पर फोटो खिंचवा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जैसे बिल्कुल चार वो काफ़ी सारे लोग हैं। आप बने अपने चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत। तो आप अपने यहाँ से आगे मनाली की ओर जाएंगे तो आपको आगे का व्यू भी दिखाते हैं।